हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी, जिसे अक्सर लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इसकी स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ब्रोकली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ब्रोकली ली है। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ब्रोकली को हरी गोभी भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है साथ ही में लहसुन अदरक और हरी मिर्च। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, जिसे लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। एक आलू लिया है, इसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है मोटा मोटा पीसेस में। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, इसे भी बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। और सब्जी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। तो सभी सब्जियाँ हमारे अच्छे से कट करके तैयार है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ, तो कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म कर दिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक पिंच हींग। हींग और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइस में कट कर के लिया है। अब प्याज को हम यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के लिया है, तो इसे भी हम प्याज के साथ भून लेते हैं। इससे सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के डालने से। और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है आलू को। आलू को मैंने यहाँ पर क्यूब शेप में कट करके और 1 से 2 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने आलू को इसमें डाल के और आलू को भी मैंने प्याज के साथ भूनना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम आलू को यहाँ पर चला लेंगे ताकि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो आलू को चलाते हुए मेरे को यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल देना है ब्रोकली को। तो ब्रोकली को मैंने यहाँ पर इस पीसेस में कट करके और इसे धोकर लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर ब्रोकली को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक मैं ब्रोकली को यहाँ पर अच्छे से प्याज और आलू के साथ फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन सभी को भून लिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल देना है धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब सभी सूखे मसाले को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूखे मसाले को मैंने सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से हम सभी मसालों को अच्छे से सब्जी में मिक्स करके उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर को भी हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर के ऊपर भी सभी मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैंने टमाटर को भी ब्रोकली, आलू और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए कितने अच्छा यहाँ पर फ्लेवर दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर सब्जी में डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जी को ज़्यादा रसदार नहीं बना रही हूँ। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी डाली है, इसमें हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, ना ही पतली होगी और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो मैंने यहाँ पर सब्जी को ढक दिया है, और 2 से 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पर फिर से सब्जी को चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए सब्जी यहाँ पर अच्छे से पक रही है। तो अभी मेरे को लगता है इसमें सब्जी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ पर सब्जी को ढक के और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से पका लेती हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर फिर से इसे चेक कर रही हूँ, तो सब्जी यहाँ पर अच्छे से पक गई है। मैंने यहाँ पर एक आलू को तोड़ के देखा, तो आलू अच्छे से टूट रहा था, तो यानी कि सब्जी अच्छे से पककर तैयार है। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर सब्जी कितनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ। बारीक कटा हुआ धनिया डाल के और सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी पूरी तरह से बनकर रेडी है। ब्रोकली की सब्जी 3 से 4 मिनट में बन जाती है। और अब मैं यहाँ पर सब्जी को प्लेट के अंदर सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और झटपट ये सब्जी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है।